चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑप्शन में ऑल पर क्लिक करके ओके करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ लाइफ में आपको वेलकम कहते हैं और मैं हूँ हिरा सादिक। गर्मियों का मौसम है और कुछ ठंडा पीने का दिल करता है, तो क्यों ना आज हमने सोचा समर स्पेशल में आपके साथ ऐसे ही मज़ेदार से ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर की जाए। तो आज हम बना रहे हैं दो तरह के स्लशेस, पाइनएप्पल स्लश और मैंगो स्लश। तो आइए इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। मैंगो स्लश के लिए हमें चाहिए 1 कप आम। यहाँ हमने आम के क्यूब्स बनाकर फ्रीज कर लिए हैं। साथ में हमें चाहिए 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून शहद, आप चाहें तो यहाँ नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ हमें चाहिए 1 कप बर्फ। आइए मैंगो स्लश बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले लेमन जूस डालेंगे, शहद डालेंगे, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। लेमन और शहद को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैंगो क्यूब्स, साथ में बर्फ, और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत ठंडा पानी ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और अब इसको मिक्स करेंगे। जी तो मैंगो स्लश हमारा तैयार है, अब हम इसको ग्लास में निकाल कर सर्व करेंगे। पाइनएप्पल स्लश के लिए हमें चाहिए 1 कप पाइनएप्पल। ये कैन वाला पाइनएप्पल मैंने यूज़ किया है और इसे फ्रीज कर दिया था। साथ में हमें चाहिए 2 टेबलस्पून शहद, 1 कप बर्फ। पाइनएप्पल स्लश के लिए हम सबसे पहले जूसर में शहद डालेंगे, इसके साथ हम 1/2 कप पानी डालेंगे और इन दोनों को अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे ताकि शहद और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। शहद और पानी अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे पाइनएप्पल। और अब इसे भी अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बर्फ। और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। जी पाइनएप्पल स्लश तैयार है, अब हम इसको ग्लास में निकाल कर सर्व करेंगे। जी तो समर स्पेशल में ठंडा ठंडा पाइनएप्पल और मैंगो स्लश तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।